बार मुझे कोविड हो गया, मैंने परवाह नहीं करी, मैंने पूरी तरह प्रबंधन किया, इलाज का मॉनिटरिंग करी, 350 वीसी मैंने करी होगी, वीसी पूरे राजस्थान के गांव गांव के अंदर डॉक्टरों से बातचीत किया, किसी को ऑक्सीजन मना नहीं दिया, बिगड़ा मॉडल की बात अभी की गई, पूरी दुनिया में वो फेमस हो गया, दुनिया में राजस्थान का नाम पहुंच गया कि बिगड़ा मॉडल से ही लोग बच सकते हैं। जब पूरे विश्व के अंदर महामारी थी तब बिगड़ा मॉडल काम आया, दुनिया के काम आया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा काम की कमी रखी नहीं है, हमने अच्छे से कानून पास किए कानून, इसलिए आज हमारा हक बनता है वोट मांगने का। ये लोकतंत्र है, वोटों का राज है, वोटों का राज किसने दिया है? कांग्रेस ने दिया है। महात्मा गांधी के जमाने में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, आज 70 साल के बाद में भी हम लोग लोकतंत्र कायम रखा है। यहाँ पर जमहूरियत कायम है देश के अंदर, ये हमारी खुशकिस्मती है। दुनिया के मुल्कों में लोकतंत्र हत्या हो जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी बार बार बंदूकों में राल होता है, वहां पर हमारे यहाँ पर गरीब को मान सम्मान हमें हाथ जोड़ना पड़ता है, तब हमें हाथ लगाना पड़ता है, किसान के भी, दलित के भी, पिछड़ों के भी, क्योंकि एक ऊर्जा धनी वो भी है हमारी, ये खूबसूरती हमारी है, महिला का अधिकार है वोटों का। अरे अमेरिका इंग्लैंड में भी 100 साल लगे महिलाओं का अधिकार देने में वोट का, हिंदुस्तान कुछ किस्मत है महिलाओं बराबर का हक दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहने को बहुत सारी बातें हैं, विकास चौधरी आपका नौजवान है, छात्र संघ का यहाँ अध्यक्ष रहा है, विकास चौधरी तो चुनाव जीत के अध्यक्ष बन गया अजमेर विश्वविद्यालय का, और मैं जो खड़ा हुआ था इसकी तरह मैं भी छात्र संघ चुनाव में जोधपुर विश्वविद्यालय के तहत मैं चुनाव हार गया। आप सोच सकते हो अगर हरा हुआ आदमी आपकी सेवा कर सकता है, जीता आदमी क्या करेगा? हारने के बाद में मेरी शुरुआत हुई थी, हारने के बाद में मेरी शुरुआत हुई एनएसयू से, एनएसयू का मैं कार्यकर्ता था, अध्यक्ष था, और आज मुझे लंबा सा हो गया काम करते करते, कई बार मैं एमपी बन गया, केंद्रीय मंत्री बन गया, संसद में काम कर लिया, और 3 बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन गया। कहना चाहूंगा ये नौजवान जो है पता नहीं कहां जाएगा, कोई सोच नहीं सकता, ये पौधा जो है ये पौधा लग रहा है, और आप आज लगा रहे हो, पिछले चुनाव में लड़ा था, चुनाव हार गया, हार भी होती रहती है, अब किन परिस्थिति में डेढ़ कर गया वो तो पता नहीं मुझे, पर बीजेपी हल बड़ी पतली ना रहता है, आप सोचिए 7 मेंबर पार्लियामेंट को, 7 मेंबर पार्लियामेंट को आप विधानसभा के चुनाव में टिकट दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्या आपके पास में कोई उम्मीदवार नहीं है? और ठीक है बोल रहा है सब, तो आप बताइए क्या कारण है? 25 एमपी जीता दिए जनता ने, और जो छोड़िए आप जो आपसे संबंधित बात कर रहा हूं मैं आपको, किशनगढ़ अजमेर जावर की जनता ज्यादा कौन सा लगता है, पानी का संकट था 80 के दशक का, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट का केंद्रीय मंत्री था, सांसद जी ने पानी नहीं आता था अजमेर के अंदर, किशनगढ़ के अंदर, ब्यावर के अंदर, एक मिसाल बन गई राजस्थान के अंदर, अगर पिछले को डैम नहीं बनता तो क्या स्थिति बनती आप सोच सकते हो? बांध कितने बनाए, शिवराज माथुर जी हो सकते हैं, हरदीप जोशी ने मुख्यमंत्री दूरदृष्टि रखी, और अजमेर के लिए भेदभाव बांध बना था शुरू शुरू के अंदर, अब तो पानी जयपुर में जाता है और लोगों को फायदा मिलता है। तो आज मैं कहना चाहूंगा ईआरसीपी की योजना, एक योजना खाली वसुंधरा राजे के वक्त बनी, हम लोगों की नेचर या प्रकृति अलग है, हम सोचते हैं विकास की बात करते हैं, वो लोग नेगेटिव लोग सोचते हैं, उन्होंने सरकार बनाई, रिफाइनरी बंद कर दी बाड़मेर की, मेट्रो बंद कर दिया जयपुर का,
कई काम बंद कर दिए। पशुपालकों में देता था 2 रुपए प्रति लीटर दूध का बोनस, वो बंद कर दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ जो बह गए थे पानी के अंदर बाढ़ में, उन बच्चों में नौकरी दे रहा था, नौकरी लग गई, आपको मालूम है, इसकी मन कर दी, लगी हुई नौकरी को निकाले, बच्चों को निकाले, वो सरकार बोझ थी। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से भी योजना 13 जिले के, अजमेर भी आता है, जयपुर भी आता है, धौलपुर, करौली, माधोपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, दूसरा सब आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपके अजमेर में खुद ने इरादा किया था, मैं उनका वीडियो मेरे पास है, सकारात्मक सोच रखूंगा मैं। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी मुंह से निकल जाए जयपुर की मीटिंग में, अजमेर के अंदर क्यों चुनाव चले थे उसका?